गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन प्लान जो कि है बायोलॉजिकल साइंस से। और आज का हमारा जो प्रकरण है वो है लाभदायक पौधे। ये हमारा 8वें नंबर का लेसन प्लान है। बाकी के लेसन प्लान हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, आप वहाँ से उसे अवश्य देख लें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे लेसन प्लान का जो प्रकरण है वो है लाभदायक पौधे। किसी भी लेसन प्लान को लिखने से पहले हम उसकी संख्या लिखते हैं, लेसन प्लान संख्या यानी कि पाठ योजना संख्या। आज की हमारी जो पाठ योजना संख्या है वो है 8। इसके बाद हम अपना नाम लिखते हैं, फिर अपने विद्यालय का नाम जहाँ हमारी इंटर्नशिप लगी है। उसके बाद हम एक कॉलम बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश एवं समयावधि लिखते हैं। कॉलम के जस्ट नीचे हम अपना प्रकरण लिखते हैं, जैसे आज का हमारा प्रकरण है लाभदायक पौधे। प्रकरण के बाद आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। हमने यहाँ सामान्य उद्देश्य पूर्ववत लिखा हुआ है क्योंकि हमने पिछली वीडियो में इसको डिस्कस किया है, आप वहाँ से ज़रूर देख लें। सामान्य उद्देश्य के बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमारे 3 उद्देश्य आते हैं, जिनमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हमारा आएगा छात्र लाभदायक पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्र स्पष्ट रूप से लाभदायक पौधों को परिभाषित कर सकेंगे। और क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्र लाभदायक पौधों की पहचान कर सकेंगे। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट हमारा जो आता है विशिष्ट उद्देश्य के बाद, वो होती है हमारी सहायक सामग्री, कि हमने किन सहायक सामग्रियों की मदद से अपना प्रकरण बच्चों के सामने प्रस्तुत किया। सहायक सामग्री के अंतर्गत हमारा है चार्ट पेपर, श्यामपट, लपेट इत्यादि। नेक्स्ट आती है हमारी शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में हमने किन किन विधियों का प्रयोग किया है, यहाँ हमारा है प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि इत्यादि। फिर हमारा आता है पूर्व ज्ञान, यानी कि बच्चे को पहले से कितना ज्ञान है लाभदायक पौधों के बारे में। तो हम यहाँ लिखते हैं छात्र लाभदायक पौधों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जो कि एक लेसन प्लान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। प्रस्तावना प्रश्न में हम 2 कॉलम बनाते हैं, एक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन का और दूसरा छात्र या छात्रा कथन का। छात्राध्यापिका कथन के अंतर्गत हम बच्चों से प्रश्न करते हैं और छात्र छात्रा कथन के अंतर्गत बच्चे उसका जवाब देते हैं, तो उस चीज़ों को हम इस कॉलम में लिखते हैं। तो हमारा जो है छात्राध्यापिका कथन, उसके अंतर्गत हमने पूछा है बच्चों से पहला प्रश्न, भोजन के अंतर्गत हम क्या क्या खाते हैं। बच्चे बताएंगे कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी, फल, फूल आदि। फिर हम पूछेंगे कि चावल, दाल, सब्जी आदि किससे प्राप्त होता है, बच्चे बताएंगे कि पेड़ पौधों से। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जिन पेड़ पौधों से हमें लाभ मिलता है उसे क्या कहते हैं, बच्चे बताएंगे लाभदायक पौधे कहते हैं, लाभ मिलता है यानी कि लाभदायक पौधे हुए। फिर हमारा जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो होगा कि लाभदायक पौधों के बारे में आप क्या जानते हैं, वहाँ बच्चे मौन हो जाएंगे, प्रश्न हो जाएगा समस्यात्मक। उसके तत्पश्चात हम उद्देश्य कथन लिखते हैं। उद्देश्य कथन में हम बोलेंगे कि बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत लाभदायक पौधों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। किसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, लाभदायक पौधों के बारे में। उद्देश्य कथन के बाद हम करते हैं प्रस्तुतीकरण, क्योंकि हमने उद्देश्य कथन में बोला है कि अब हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तुतीकरण के दौरान हम 4 कॉलम बनाएंगे, पहले में होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा हमारा छात्राध्यापिका कथन और तीसरा होगा छात्र छात्रा और चौथा होगा श्यामपट कार्य। ठीक है, शिक्षण बिंदु में हम 3 शिक्षण बिंदुओं को लिखते हैं, जिन 3 शिक्षण बिंदुओं को हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। छात्राध्यापिका कथन में हम जो बच्चों को प्रस्तुत करेंगे, जो व्याख्या देंगे उसके बारे में। छात्र छात्रा कथन में बच्चे जो जवाब देंगे या फिर बच्चों की जो क्रिया है उसको लिखेंगे। और श्यामपट कार्य में हम श्यामपट ब्लैक बोर्ड पर जो कुछ भी कार्य करते हैं उसे यहाँ दर्शाएंगे। तो हम शिक्षण बिंदु में पहला शिक्षण बिंदु स्टार्ट करने से पहले बच्चों से 1 या 2 विकासात्मक प्रश्न करते हैं,
जिसमें पहला है हमारा, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? बच्चे बताएंगे पेड़ पौधों से। दूसरा है पौधों को उनके उपयोग के आधार पर किन किन समूहों में बांटा गया? बच्चे वहाँ मौन हो जाएंगे, प्रश्न हो जाएगा समस्यात्मक। तब हम अपना शिक्षण बिंदु नंबर 1 लिखेंगे, जिसमें लिखा है कि पौधों को उनके उपयोग के आधार पर वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। अब हम उसका स्पष्टीकरण देंगे बच्चों के सामने कि पौधों को उनके उपयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। बच्चे हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जिनमें पहला भाग है भोजन प्रदान करने वाले पौधे, रेशे प्रदान करने वाले पौधे और औषधि प्रदान करने वाले पौधे। ठीक है, श्यामपट्ट कार्य में हम पौधों की उपयोगिता लिख के बच्चों को समझा सकते हैं। पौधों को उनके उपयोग के आधार पर जो हमने 3 भागों में बांटा था, पहला भोजन प्रदान करने वाले, रेशे प्रदान करने वाले और औषधि प्रदान करने वाले, उनको अब हम एक एक करके यहाँ बच्चों के सामने डिस्कस करेंगे, जिनमें पहला है खाद्य यानी कि भोजन पदार्थ प्रदान करने वाले पौधे। उसके स्पष्टीकरण में है पौधों से हमें फल सब्जियाँ अनाज आदि प्राप्त होता है, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट विटामिन प्रोटीन आयरन आदि खाद्य मिलते हैं, ये हमारे शरीर के विकास के लिए उपयोगी होते हैं। बच्चे ध्यान से सुनते हैं और हम इधर ब्लैक बोर्ड कार्य में भी लिखेंगे खाद्य पदार्थ देने वाले पौधे हमें क्या क्या देते हैं, उनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट विटामिन प्रोटीन एंड खनिज पदार्थ मिलते हैं। अब हम इस एक भाग से बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि खनिज पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त होता है, बच्चे बताएंगे कि पौधों से, पेड़ पौधों से। तो हम दूसरा प्रश्न करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट और विटामिन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, वहाँ बच्चे बताएंगे ये हमारे शरीर के विकास के लिए उपयोगी है। ठीक है, अब हम पौधों के दूसरे भाग के बारे में डिस्कस करेंगे जो है रेशे प्रदान करने वाले पौधे। तो उससे पहले हम बच्चों से एक दो विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, जिसमें पहला है कि भोजन के बाद हमारी दूसरी मूलभूत इकाई क्या होती है या मूलभूत आवश्यकता क्या होती है, बच्चे बताएंगे कि वस्त्र। वस्त्र हमें कौन से पौधे से प्राप्त होता है, बच्चे चुप हो जाते हैं, समस्यात्मक हो जाता है। तब हम दूसरा शिक्षण बिंदु लिखेंगे रेशे प्रदान करने वाले पौधे और उसका स्पष्टीकरण देंगे बच्चों के सामने कि कपास, जूट, नारियल के पौधों के रेशे से हमें वस्त्र तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, इनसे हमें रस्सी, चटाई, बोरी, गद्दे, वस्त्र आदि प्राप्त होते हैं। कपास के फल से रुई, नारियल से रेशे तथा जूट के पौधों से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। बच्चे ध्यान से सुनते हैं और ब्लैक बोर्ड कार्य में हम लिखेंगे रेशे प्रदान करने वाले पौधे कौन कौन से हैं, कपास, जूट और नारियल। अब हम इस सेकेंड पॉइंट से बोधात्मक प्रश्न कर लेते हैं, जिसमें पहला है कि कपास से क्या प्राप्त होता है, बच्चे बताएंगे कि रुई प्राप्त होती है। रेशे हमें किन पौधों से मिलते हैं, जूट और नारियल से मिलते हैं। अब हमारा तीसरा पॉइंट है औषधि प्रदान करने वाले पौधे, औषधि प्रदान करने वाले पौधे। तो उसके पहले हम पुनः विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि कुछ औषधीय पौधों का नाम बताइए, बच्चे बताएंगे कि तुलसी, नीम आदि। दूसरा प्रश्न हमारा होगा कि तुलसी, नीम हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, वहाँ बच्चे मौन हो जाएंगे। तब हम औषधि प्रदान करने वाले पौधे शिक्षण बिंदु के अंतर्गत लिखेंगे तीसरे पॉइंट पे और उसका स्पष्टीकरण देंगे। कुछ पौधे औषधीय गुणों से युक्त होते हैं, जैसे कि हल्दी, अदरक, मुलेठी, तुलसी, नीम, अजवाइन आदि। इन सब का उपयोग हम दैनिक जीवन में औषधि के रूप में करते हैं। नीम के पेड़ का प्रत्येक भाग का उपयोग हम कई तरह से करते हैं। औषधि गुणों के कारण उसे प्राकृतिक औषधालय भी कहा जाता है। इन पौधों का प्रत्येक भाग लाभदायक होता है। ये सभी पौधे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये पौधे अपने भीतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के कई गुण समेटे हुए हैं। ये रहा हमारा स्पष्टीकरण, बच्चे ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुनते हैं और ब्लैक बोर्ड कार्य में हम औषधि प्रदान करने वाले पौधों के नाम लिखेंगे, जिनमें है हमारा तुलसी, हल्दी, नीम, मुलेठी, अदरक, अजवाइन और लौंग। अब हम इस शिक्षण बिंदु से बच्चों से बोधात्मक प्रश्न कर लेते हैं कि औषधि पौधों का मुख्य कार्य क्या है, बच्चे बताएंगे कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने के लिए। दूसरा प्रश्न है हमारा कुछ औषधि पौधों के नाम बताइए, बच्चे बताएंगे कि हल्दी, तुलसी, नीम, मुलेठी आदि।
तीन शिक्षण बिंदु कंप्लीट होने के बाद हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम तीनों शिक्षण बिंदुओं से उठाकर प्रश्न करेंगे, जिसमें हमने पहला प्रश्न लिखा है किस पेड़ पौधों को प्राकृतिक औषधालय कहा जाता है, दूसरा है खाद्य पदार्थ देने वाले पौधों के बारे में विस्तार से बताइए, और तीसरा है पौधों को उपयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ हमने तीन प्रश्न ही लिखे हैं, आप 5 या 7 प्रश्न भी लिख सकते हैं। पुनरावृत्ति के बाद हम गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य में हम बच्चों से बोलेंगे कि सभी छात्र घर से लाभदायक पौधों के बारे में लिख कर लाएंगे। तो गाइज, ये रहा हमारा आज का लेसन प्लान बायोलॉजिकल साइंस का, जिसका प्रकरण था लाभदायक पौधे। नेक्स्ट लेसन प्लान हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच गाइज।